कच्चा थी वो द्वीप मुद्दे को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके पर सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने कहा डीएमके ने बयानबाजी के अलावा तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया है। कच्चा थीबो द्वीप पर सामने आई नई रिपोर्ट ने डीएमके केडवल स्टैंडर्ड को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कांग्रेस और डीएमके सिर्फ पारिवारिक यूनिट है, उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे और बेटियां ही आगे बढ़े, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्चा थीबो पर उनकी उदासीनता ने हमारे गरीब मछुआरों और महिलाओं के हितों को नुकसान पहुँचाया है। पीएम मोदी ने दिवंगत डीएमके सांसद एरा सेजियान के एक बयान को भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समुद्री समझौते पर नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने साल 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल के दौरान श्रीलंका को कच्चा थीबो द्वीप देने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा था कि कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस पर अपने शासन के वर्षों के दौरान भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया।